यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे हैं सब लोग होप्सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो अभी तक आप लोगों ने डीटी के बहुत सारे रिविजन लेक्चर देख लिए होंगे सात रिविजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आज हम आठवां रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहे हैं बट दैट रिवीजन लेक्चर इज रिलेटेड टू तो इंटरनेशनल टैक्सेशन मुझे पता है तुम्हारा असेसमेंट प्रोसीजर टीडीएस का रिवीजन लेक्चर बाकी है मैं दे दूंगा थोड़े टाइम में डोंट वरी अबाउट दैट पहले अपन कंप्लीट करते हैं इंटरनेशनल और इंटरनेशनल टैक्सेशन टैक्सेशन और में आज जिस टॉपिक को हम रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ही प्यारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं बता दू पेपर नंबर सेवन में ये जो टॉपिक है ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस अप्रोक्स टेन से लेकर और आपका फिफ्टीन मार्क्स कवर करता है और इलेक्टिव पेपर की बात करूं सिक्स

तो मैं बता दू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है और एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट तो उसको अपन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे तो मैंने क्या बोला क्या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज और उसमें एटलीस्ट वन है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे एक बात बताओ अगर एक नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन है एक नॉन रेजिडेंट का दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन है क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है आंसर इज यस एक बात बताओ दो नॉन रेजिडेंट के बीच में जो हो रहे है, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा अगर किसी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है तो, तो देखो बेटा मैंने क्या बोला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एट उसमें से एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अब एक और चीज समझना अगर तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वो किसी आउटसाइडर के साथ हो रहा है ट्रांजेक्शन किसी आउटसाइडर के साथ हो रहा है लेकिन वो आउटसाइडर और तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर प्रायर अग्रीमेंट है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है तो इवन आपका आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर आप देखो कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है दैट इज द

लिमिटेड वो टर्म्स एंड कंडीशन उस ट्रांजेक्शन के डिसाइड करती है तो उस केस में जो ए लिमिटेड के साथ में ट्रांजेक्शन एक्स लिमिटेड का हो रहा है या आउटसाइडर के साथ हो रहा है तो भी यहां पे डीम टू भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो मान लिया जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या तो मैं बता दूं ट्रांसफर प्राइसिंग में ट्रांजेक्शन का मतलब सेल के ट्रांजेक्शन परचेज के ट्रांजेक्शन लैंडिंग के ट्रांजेक्शन बोरोइंग द वेलोकेशन ऑफ कॉस्ट के ट्रांजेक्शन अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई रिसर्च किया एक होल्डिंग कंपनी ने और उसका बेनिफिट सब सब्सिडी कंपनीज को मिल रहा है तो हर सब्सिडी कंपनी को उसको कॉस्ट अलोकेट होता है तो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है वो भी आपका लेंथ प्राइस पे होना चाहिए तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला सेक्शन नाइनटी टू सेक्शन नाइन टू बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में तो उसको अपन लेंथ प्राइस पे लेके आते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में बिटवीन टू और मोर एसोसिएट

ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगता है जब ट्रांजेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होता है अब क्वेश्चन ये आता है एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलते हैं मेरी तरफ देखो अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में ट्वेंटी और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज अब एक चीज समझना है ये जो रिलेशनशिप मैं आपको सिखाऊंगा ये एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो गया तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी तो मैंने क्या बोला अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज में ट्वेंटी और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज या एक एंटरप्राइज दो एंटरप्राइज

है तो वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी उसके बाद एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है देन बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज एंटरप्राइज क्या बोला मैंने एक किसी दूसरी एंटरप्राइज के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज एंटरप्राइज या एक किसी दो एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी अब एक और चीज समझता एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है और वो जो लोन दिया है ना उस एंटरप्राइज के दूसरी एंटरप्राइज के जो टोटल है उसका 51% और मोर का लोन है तो उस में जैसे एक एंटरप्राइज है, Limited, एक है अब ने को लोन दिया और जेड लिमिटेड का जो टोटल है ना वो टोटल मोर का, का अगर मान लो बीबी लिमिटेड ने लोन दिया है तो उस केस में ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी अब एक और चीज एंटरप्राइज़

सेंट और मोर का रॉ मटेरियल सप्लाई करती है तो बहुत आर ट्रीटेड एसोसिएट एंटरप्राइज अब एक और चीज समझना एक एंटरप्राइज का जो बिजनेस है वो बिजनेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द नोहा पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी डिजाइन फॉर्मुला ऑफ द अदर एंटरप्राइज देन बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज जैसे आई कैन टेक टेकाम्पल होंडा है Honda क्या करती है Honda ने मान लो हीरो को नोहा दिया अब हीरो का जो बिजनेस है वो टोटली totally डिपेंड करता है Honda के पे तो हीरो और होंडा दोनों आपस में क्या बन जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज अब एक और चीज समझना अगर एक एंटरप्राइज गुड्स को मैन्यूफेक्चर करती है और वो मैनुफेक्चर करके दूसरी एंटरप्राइज को बेचती है और यहां पे बायर अगर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है जो बायर है वो बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस

वो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी एक एंटरप्राइज को अगर कोई एच यूएफ कंट्रोल करता है दूसरी एंटरप्राइज को एच यूएफ के मेंबर या मेंबर के रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं तो बहुत एसोसिएट एंटरप्राइज और एक और बात समझना अगर पार्टनरशिप फर्म ओपीबीआई की बात करूं तो अगर टेन और मोर का पीएसआर हो जाता है तो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाता है जैसे कंपनी के केस में तो क्या है ट्वेंटी और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए बट पार्टनरशिप फर्म और तुम्हारा एओपी तुम्हाराओपी के केस में अगर टेन और मोर का पी हो जाता है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है अब एक और ही समझता आप लोग उसके बाद चलते हैं सेक्शन 92C सी पे और 92C ये बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ सर आमलैंग प्राइस कैसे निकालेंगे तो आमलैंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पांच मेथड दे रखी है। वो पांच मेथड में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करके और प्राइस निकालना है ये पांच मेथड कौन कौन सी है सबसे पहली मेथड है कप मेथड दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड दूसरा होता है रीसेल प्राइस मेथड तीसरा होता है कॉस्ट प्लस मेथड चौथा होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और पांचवा होता है ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड सबसे पहला मेथड दैट इज द कप मेथड दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड बड़ा सिंपल मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड क्या होता है कि अगर मान लो आप जो आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो आउटसाइडर के साथ ट्रांस एक तो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो एक आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन कर, तो कर रहे हो जो आपका अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है क्योंकि एसोसिएट के साथ कर रहे हो वो तो कंट्रोल्ड है ना जो आउटसाइडर के साथ कर रहे हो जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है वो अनकंट्रोल्ड में जो भी प्राइस चार्ज या पेड कर रहे हो वो प्राइस ले लो दैट इज कॉल योर आर्म लेंथ प्राइस जो भी तुम्हारा जो आई कैन से दैट द अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है और कंपेरेबल होना चाहिए कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है उसमें जो प्राइस चार्ज या पेड हो रही है वो प्राइस ले लो वो तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगी अब एक चीज समझना जो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है एंड तुम्हारा एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कंट्रोल वाला उन दोनों के बीच में अगर कोई फंक्शनल है 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 फंक्शनल जिससे कि वो डिफरेंस डिफरेंस हो सकती है तो उस केस में आप क्या करोगे उस फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट कर लो आप एडजस्टमेंट प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर लो आपको लेंथ प्राइस मिल जाएगी तो देखो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में करना क्या है नाम से पता चलता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड अगर आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस है वो प्राइस ले लो और उसमें जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कर लो आपको मिल जाएगा लेंथ प्राइस ये मेथड कब लगाया जाता है जब आपके पास कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मिलते हैं

अनटेंटेड है तो आप स्टार्ट करो रीसेल प्राइस मेथड से रीसेल प्राइस से अब एक काम करो रीसेल प्राइस में से आप लेस करोगे आपका जो नॉर्मल जीपी मार्जिन होता है अगर आप सिमिलर ट्रांजैक्शन करते तो आप नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना कमाते वो लेस कर दो और उसमें से आपके कोई परचेज रिलेटेड खर्चे वो भी लेस कर दो जो भी बचेगा दैट विल बी योर आर्म लेंथ प्राइस तीसरा मेथड होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है कि भैया नॉर्मली आप जो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो वो अपने एसोसिएट्स को सेल कर रहे हो मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाया या सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया और वो आपने अपने एसोसिएट्स को बेच दिया तो वहां पे क्या होता है एक मेथड फॉलो होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वगैरह बहुत ज्यादा फॉलो होती है तो कॉस्ट प्लस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है पता है पहले जो आपकी टोटल कॉस्ट आई वो टोटल कॉस्ट को ले लो जो आपकी टोटल कॉस्ट आई वो टोटल कॉस्ट को ले लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की टोटल कर दो और उसमें आप एक काम करो एड करो आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन भाई नॉर्मल जीपी मार्जिन अगर आप अनरिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर दे तो कितना जीपी कमाते वो एड कर दो आपको मिल जाएगी यहां पर लेंथ प्राइस अब एक चीज समझना यहां यहाँ पे जो जीपी मार्जिन आप ले रहे हो इसमें एज वेल एज द रीसेल प्राइस मेथड में जो जीपी मार्जिन ले रहे उसमें अगर कोई फंक्शनल डिफरेंसेज है तो वो फंक्शनल डिफरेंसेज के एडजस्टमेंट किए जाएंगे जैसे मान लो आपने को ऐसा दे रखा है कि भैया जो तुम आउटसाइडर के साथ जीपी कमा रहे हो वो ट्वेंटी परसेंट है बट यहां पे वो ट्वेंटी परसेंट कमाते हो बट एसोसिएट के साथ में एसोसिएट अपने को सपोर्ट भी दे रहा है और वो सपोर्ट है वो टू परसेंट वैल्यू का सपोर्ट है तो यहां पे आप जीपी कितना कमाओगे एटीन परसेंट कमाओगे तो यहां पर आपको एडजस्टेड जीपी मार्जिन है वो लेना पड़ेगा लेंथ प्राइस निकालते टाइम उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज अ प्रॉफिट स्प्लिट मेथड प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में क्या होता है ये मेथड वहां पर यूज होती है जहां आप ज्वाइंट वेंचर में काम करते हो तो जहां पे आप जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो वहां पे प्रॉफिट को डिवाइड करना वेरी डिफिकल्ट करके प्रॉफिट इंडिविजुअल जितनी एसोसिएट एंटरप्राइज उनके बीच में आप डिवाइड कर दो कौन से रेशियो में पता है इन द रेशियो ऑफ द रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई एंटरप्राइज जो ईच एंटरप्राइज का रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलेवेंट मे बी इन द केस ऑफ द मैन पावर एंगेजमेंट कैपिटल

और जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का अप टू थ्री परसेंट है एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का अप टू थ्री परसेंट है तो एवरेज आमलेंग प्राइस को छोड़ दो बट सपोज इफ द डिफरेंस इज मोर देन थ्री परसेंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस तो उस केस में जो तुम्हारा एवरेज लेंथ प्राइस आया वही तुम्हारा प्राइस माना जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो बेटा जब आपके पास एक ही मेथड से फ्रॉम सिंगल मेथड इफ यू गोट द मोर देन वन लेंथ प्राइस तो आप एक काम करो उसका एवरेज कर दो क्या कर दो एवरेज कर दो अब एवरेज लेंथ प्राइस जो है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस उनके बीच में जो डिफरेंस है इफ दैट डिफरेंस इज अपू थ्री ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस स बैंड थ्री परसेंट अपन ऑफिस में तो आप एक काम करो एवरेज ऑनलाइन प्राइस को छोड़ दो और जो एक्चुअल बट अगर डिफरेंस थ्री परसेंट से ज्यादा है तो एवरेज ऑनलाइन प्राइस है वो आपका एवरेज ऑनलाइन प्राइस वो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस माना जाएगा अब एक और चीज समझता हूं इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग यहां पे थ्री परसेंट की जगह आपका वन परसेंट का टॉलरेंस बैंड मिलेगा तो नॉर्मली थ्री परसेंट का टॉलरेंस बैंड है लेकिन होलसेल ट्रेडिंग के केस में वन परसेंट का टॉलरेंस बैंड रहेगा अब एक और चीज समझना सेक्शन नाइनटी टू सी का सबसेक्शन थ्री ये बोलता है के बेटा असेसिंग ऑफिसर है ना वो चार केस में आपकी लेंथ प्राइस निकाल सकता है इन द फोर केसेस योर लेंथ प्राइस विल बी डिटरमाइन द असेसिंग ऑफिसर कौन से चार केस पहला अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया दूसरा अगर आपने लेंथ प्राइस निकालते टाइम आपने जो डेटा यूज किया डेटा इज नॉट अ रिलायबल एंड करेक्ट तीसरा अगर मान लो

तो उस केस में क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके और असेसिंग ऑफिसर आम लेंथ प्राइस है वो निकाल देगा अब एक चीज समझना 92 सी सबसेक्शन 4 ये बोलती है कि अगर एओ ने आम लेंथ प्राइस निकाली और एओ की आम लेंथ प्राइस की वजह से अगर आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है एओ की आम प्राइस की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है बिजनेस की इनकम बढ़ जाती है तो एक चीज समझना उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब जो भी इंक्रीज वाला पोर्शन है जितना इंक्रीज हुआ वो increased वाले पोर्शन के सामने आपको आपको डिडक्शन डिडक्शन अंडर चैप्टर एज एज वेल द ए के deduction है वो आपको नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बोला अगर एओ ने आमलिंग प्राइस निकाली और उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया और उस प्रॉफिट जो जितना बढ़ा ना उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने किसी को पेमेंट किया है अगर आपने किसी को पेमेंट किया और आपकी आम लेंथ प्राइस की वजह से वो पेमेंट कम हो गया जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो और हीरो ने क्या किया था होंडा को रॉयल्टी का पेमेंट किया था और रॉयल्टी का पेमेंट किया था 200 करोड़ का और 200 करोड़ पे टीडीएस की रेट से 20 करोड़ का टीडीएस का रॉयल्टी का लेंथ प्राइस है, वो वन फिफ्टी करोड़ ही अलाउ करोड करोड करेंगे तो यहाँ करोड़ है वो अलाउ किया तो क्वेश्चन जब वन करोड़ ही अलाउ किया तो होंडा की इनकम कितनी होगी टू करोड़ या वन

सबसेक्शन नाइन टू सब 92 टू सी सबसेक्शन 4 करके अब एक बात समझना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब ये रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग अभी तक एग्जाम में आया नहीं है रेंज कॉन्सेप्ट आए हुए दो तीन साल हो गए बट अभी तक एग्जाम में आया नहीं है हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाए अब एक चीज समझना ये रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने अभी आपको क्या बताया था एक ही मेथड से एक से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस आ जाती है एक ही मेथड से अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस आ जाती है तो आपको उसका एवरेज लेने का ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर ये चार मेथड के केस में चार मेथड कौन सा कप मेथड के केस में चार मेथड कप रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, या फिर ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड ये जो चार मेथड है ये चार मेथड के केस में मीन मैंने इसमें प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ दिया कप मेथड आरपीएम सीपीएम टीएनएमएम ये चार मेथड के केस में अगर आपके डेटा सेट में सिक्स या उससे ज्यादा वैल्यूज आ जाती है देखो अगर फाइव या फाइव से कम आती है तो तो वही आपको एवरेज करने का वो प्लस माइनस थ्री परसेंट वाला टॉलरेंस बैंड लेकिन अगर आपके डेटा सेट में जो प्राइस आती है वो शिक्स या शिक्स से है वो या से ज्यादा तो आपको यहां पे रेंज कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा अब एक बात समझो रेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता है रेंज कॉन्सेप्ट कैसे लगता है तो जैसे मैंने एक, एक एग्जाम्पल ले रखा है कि यहां पर देखो तुम्हारे पास में एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो वन है लेकिन तुम्हारे पास में आमलैन प्राइस टोटल कितनी आ गई सेवन आपके पास सेवन लेंथ प्राइस आ गई तो देखो मैंने क्या बोला वो चार मेथड कप मेथड आरपीएम मेथड करके ठीक है सीपीएम एंड टीएनएमएम इसके केस में मिस आपका प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ दिया वो चार मेथड के केस में अगर आपके पास डेटा सेट में जो आमल प्राइस आती है वो सिक्स या सिक्स से ज्यादा है तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा अब एक चीज समझना यहां पर रेंज कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जितनी भी आपकी प्राइस है यह आमलैंग प्राइस को आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू पुट इन द असेंडिंग ऑर्डर आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दो तो सबसे पहले हमने क्या किया आरोही क्रम में डाला उसके बाद एक काम करो डेटा सेट में जितनी वैल्यू है डेटा सेट में जितनी वैल्यू है उसका थर्टी फाइव परसेंटाइल लो और उसके बाद में आप एक काम करो सिक्सटी फाइव परसेंटाइल लो अब एक चीज समझना तो सबसे पहले मैंने इसमें देखा कि डेटा सेट में कितनी है सेवन वैल्यू तो सेवन का सबसे पहले आप एक काम करो थर्टी फाइव परसेंट करो तो मैंने सेवन का थर्टी फाइव परसेंटाइल किया तो टू पॉइंट फोर फाइव आया अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना जो भी आप परसेंटाइल करते हो थर्टी फाइव परसेंटाइल या सिक्स परसेंटाइल और आएगा अगर मान लो ये जो नंबर आता है ये होल नंबर नहीं है जैसे ये है, ये है होल नंबर नहीं है तो इसको आपको इसके अगले वाला नंबर लेना है तो आप कितना लोगे थर्ड नंबर लोगे ठीक है मीन थर्ड नंबर है वो आप लोगे तो यहां पे देखो थर्ड नंबर के सामने कितना दे रखा है 152 दे रखा है तो आपका जो रेंज चालू होगा ना वो 152 से होगा

और वो रेंज क्या मिल गई 152 से लेके और 158 152 से लेके 158 एक रेंज मिल गई अब एक बात समझना अपना अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन इस रेंज में जाता है जो हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो अगर इस रेंज में फस जाता है तो तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन ही आमलंग प्राइस है जैसे अपने केस में तो क्या है एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का था 150 का था सो so ये 150 का है रेंज में नहीं आ रहा अगर ये रेंज में आ जाता अगर ये 154 होता तो तो उस केस में 154 है वही ही तुम्हारा आमलंग प्राइस है बट अगर ये रेंज में नहीं आता तो आपको मीडियम लेना पड़ेगा मीडियम का मतलब होता है फिफ्टी परसेंटाइल

में लगता है पीएसएम को छोड़ के जब आपके पास डेटा सेट में सिक्स या सिक्स से ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो रेंज कॉन्सेप्ट लगता है सबसे पहले आप एक काम करो जितनी भी वैल्यूज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो पहले परसेंटाइल 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 करो करो फिर 65 करो, जो भी आता है उसमें अगर होल नंबर नहीं है तो आपको उसका अगला वाला नंबर देना है अगले वाले नंबर के सामने जो वैल्यू है थर्टी परसेंटाइल से रेंज चालू होगी और सिक्सटी परसेंटाइल तक रेंज है वो खत्म हो जाएगी अगर उस रेंज के बीच में आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस फंस जाता है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस इज ऑनलाइन प्राइस अदरवाइज यू हैव टू टेक द परसेंटाइल और फिफ्टी परसेंटाइल सेवन का 50 कम्स टू 3.5 यू हैव टू टेक द फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर के सामने जो वैल्यू है दैट विल बी योर आर्म लेंथ प्राइस अब एक चीज समझना मैंने आपको बोला कि अगर जब भी आप 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल या फिर 50 परसेंटाइल करते हो वो होल नंबर नहीं है तो आपको अगला नंबर लेने का लेकिन अगर होल नंबर आ गया तो जैसे इस एग्जांपल में आपके पास डेटा सेट में टोटल 20 वैल्यू है तो 20 वैल्यू का जब आप 35 परसेंटाइल करोगे तो 35 परसेंटाइल कितना आ गया सेवन तो सेवन इज अ होल नंबर तो क्या आपको सेवन जो है वहीं से रेंज चालू होगी आंसर इज नो आंसर तो आपको क्या करना है, उस के सामने जो है उसका जो वो, वो चालू होगी तो यहां पे मेरा होल नंबर सेवन आ गया तो सेवन के केस में सेवन के आगे दे रखा है वन ट्वेंटी इन दोनों का एवरेज रहता है वन वन नाइन पॉइंट फाइव तो अपनी जो रेंज है वो वन वन नाइन पॉइंट फाइव से स्टार्ट होगी दूसरा आपने 65 परसेंटाइल किया गया तो दोनों का जो एवरेज आएगा यहां पे आपकी रेंज है, वो हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला वो होल नंबर नहीं है तो अगला नंबर लो अगर वो होल नंबर आ गया अगर वो होल नंबर आ गया तो आपको क्या करना है वो नंबर या उसके अगले नंबर वो नंबर एंड उसके अगले नंबर के सामने जो वैल्यूज है उसका एवरेज लो क्या पॉइंट yes, और चीज

ये बहुत सारी कंपेरेबल्स कंपनीज है करके अपनी कंपनी का नाम होगा बीबी लिमिटेड और ABCD, FG, ये एबीसीडी एफ जी यह कंपेरेबल्स कंपनी है तो आपको पता चला कि भैया करंट ईयर में जैसे कॉस्ट प्लस मेथड में नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं

टोटल ऑफ द ओसी करके आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो ये अपन वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे ऐसा सब कंपनीज का करो और उसके बाद फिर आप असेंडिंग ऑर्डर करो फिर 35 परसेंटाइल फिर 65 परसेंटाइल फिर 50 परसेंटाइल वो वाला प्रोसेस आपको करना है तो मैंने आपको आपको क्या बोला देखो बेटा जब भी आप रेंज कांसेप्ट में तीन मेथड के केस में रेंज कांसेप्ट पर तीन मेथड के केस में एक तो तुम्हारा कौन सा रीसेल प्राइस मेथड कॉस्ट प्लस मेथड एंड ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड इन तीनों के केस में क्या होगा कि भैया आपको प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा तो आपको करंट ईयर का डेटा और पिछले दो साल के डेटा का वेटेड एवरेज लेना वेट कैसे लोगे वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला कैसे पीएलआई क्या है प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर क्या है तो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो तीनों साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोड़ो ऑपरेटिंग कॉस्ट को जोड़ के और उससे डिवाइड करो और ऐसे प्रॉफिट निकालो अगर वो मान लो सेल्स के केस में नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स है तो तीनों साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ो ऑपरेटिंग सेल्स को जोड़ो और

क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ऐसा जरूरी नहीं कि सब आपकी कंपेरेबल कंपनी से रिटर्न उस टाइम तक फाइल कर दिया है हो सकता है किसी ने नहीं किया तो करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं जितने साल का डेटा अवेलेबल है वो ले लो मतलब पिछले दो साल में से कोई भी दो साल का डेटा अवेलेबल है दो का ले लो एक का है तो एक का अवेलेबल है तो वो ले लो हो सकता है कोई कंपनी कंपेरेबल से उसका डेटा करंट ईयर का ही अवेलेबल है तो सिर्फ करंट ईयर का ले लो कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है लेकिन एक चीज समझना जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है

नहीं है तो उसका डेटा एओ डिलीट कर देगा और उसको अगर कोई नई कंपनी मिल जाती है तो उसको क्या करेगा कंसिडर करेगा और फिर वो AO वापस कैलकुलेट करेगा, अब एक और चीज समझना आप लोग नेक्स्ट सेक्शन आती है 92 सीए 92 सीए इज रिलेटेड टू दीपीओ का के

एटलीस्ट उससे 60 डेज पहले है वो टीपीओ का अपना ऑर्डर है वो एओ को सेंड करना पड़ेगा मीन एटलीस्ट सिक्सटी डेज पहले है वो टीपीओ को अपना ऑर्डर है वो पास करना पड़ेगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू थर्टी टू नाइनटी टू सी सेफ हार्बर रूल्स अभी सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं कि भैया कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप जो भी ंग प्राइस निकालोगे मीस आप जो भी प्राइस डिक्लेयर करोगे वो डिपार्टमेंट मान लेगा डिपार्टमेंट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट उसमें उंगली नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर रूल्स नाउ फॉर योर एग्जामिनेशन योर एग्जामिनेशन योर प्रीवियस ईयर इज ट्वेंटी 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 वन के लिए अभी तक सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई नहीं हुए तो आपके लिए खुशी की खबर है कि आपके मे टू थाउजेंड ट्वेंटी के एग्जाम में एटलीस्ट सेफ हार्बर रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल बट अगर नवंबर के लिए अगर अप्रैल तक सेफ हार्बर रूल्स है वो नोटिफाई हो जाते हैं तो नवंबर टू थाउजेंड

टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है एज वेल एज जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रहती है कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी का मतलब एक ग्रुप होता है उस ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज रहती है उनको सबको एंटिटी रहती है उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो बना के रखनी पड़ेगी और वो प्रिस्क्राइब करेंगे दैट इज कॉल योर मास्टर फाइल बेसिकली आपको मास्टर फाइल है और लोकल फाइल है वो बना के रखनी पड़ती है तो एक तो लोकल फाइल दैट इज टीपी स्टडी रिपोर्ट और तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसको मास्टर फाइल भी बना के रखना पड़ता है अब एक चीज समझना जो ये टीपी स्टडी रिपोर्ट आप बनाते हो जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो क्या आप रिटर्न के साथ में सबमिट करते हो आंसर इज नो जो टीपी स्टडी रिपोर्ट है वो रिटर्न के साथ में नहीं देते लेकिन अगर असेसमेंट में एओ टीपीओ अगर आपसे मंगवाता है कभी

यह ऑडिट रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो आपको सीए का एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है इन द फॉर्म नंबर थ्री सीईबी करके थ्री सीईबी करके एक फॉर्म होता है उसमें आपको सबमिट करना पड़ता है अप टू थर्टी नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर की 30 नवंबर तक आपको ये

करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया करके ठीक है तो उस केस में आपको टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी लग जाएगा सेक्शन डबल तीन चीजें बोलता है समझने की कोशिश करना सबसे पहला आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया या फिर आपने करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन uh, है इंफॉर्मेशन है वो बनाया नहीं या फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपको टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी लग जाएगा तीन पॉइंट आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया नहीं आपने कोई रिपोर्ट अगर ट्रां, uh, ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट या फिर आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको पांच लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा यह भी सेक्शन टू सेवन डबलता है उसके बाद सेवेंटी बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने बनाया तो है टीपी स्टडी रिपोर्ट बट आप फर्निश नहीं कर रहे हो एओ को फर्निश करना रहता है थर्टी डेज में अगर आप फर्निश नहीं करते तो उस केस में आपको टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी लग जाएगा टू सेवेंटी वन बी ए बोलता है कि अगर चार्टड अकाउंटेंट का जो रिपोर्ट रहता है थ्री सीईवी में दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट अगर वो आपने सबमिट नहीं किया तो आपको एक लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा तो जो चार्टेड अकाउंटेंट का रिपोर्ट है अगर वो आपने सबमिट नहीं किया तो आपको एक लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा अब एक चीज समझना

लग जाएगा यू गॉट माइ पॉइंट और नॉट यस नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दैट दैट इज इज द अपा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अब एक बार समझतेमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करना एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या होता है कि सीबीडीटी के पास यह पावर है कि सीबीडीटी चाहे तो किसी भी एसएससी के बीच में एक अग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं पहले से कि भैया तुम्हारे पे कौन सी मेथड लगेगी एक बात बताओ आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको एडवांस में अगर यह पता चल जाए कि आपके ऊपर ये मेथड लगने वाली है तो आपको मजा आ जाएगा तो वही एक कंसेप्ट होता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट यहां पर पावर सीबीडीटी के पास है कि सीबीडीटी चाहे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो किसी भी पर्सन के साथ में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं अब एक चीज समझना अगर अपा में एंटर करते हो तो अपा में क्या लिखा रहेगा पता है अपा में यह लिखा रहेगा कि उस एस पे कौन सी मेथड लगेगी उसकी आमलैन प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी वो सब अपा में लिखा होगा अब एक और चीज समझना वो मेथड वो पांच मेथड वैसे हो सकती है या हो सकता है कोई छठा मेथड डेवलप कर दिया या हो सकता है कि वो पांच मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन करके और अप्पा में लिखा जाए एक और चीज समझना

तो मैंने आपको क्या बोला अपा का मध्य में कौन एंटर हो सकता है सीबीडीटी किसी भी पर्सन के साथ में एंटर हो सकती है इन रिलेशन टू द कंप्यूटेशन ऑफ आमलैंग प्राइस और इन अ मैनर इन विच एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम फाइव इस पांच साल के लिए अपा में एंटर हो सकते हैं अब एक और चीज समझना

इनिशियल डिक्लेयर कर दिया तो जितना टाइम खराब हुआ फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच अपा वाज एंटर्ड अ टिल द डेट ऑन व्हिच अपा डिक्लेअर एज वॉइड है बीनिशियल उतना टाइम है जहां-जहां इनकम टैक्स में जो यहां पे जो टाइम बार्ड होती है चीजें जहां टाइम कैलकुलेशन होता है उसमें वो एक्सक्लूड हो जाएगा अब एक और चीज समझना

पा जो है वो आप पांच साल के लिए ले सकते हो मैक्सिमम पांच साल के लिए लेकिन इसमें कंसेप्ट आता है दैट इज द रोल बैक प्रोविजन

बाकी अब एक और चीज समझना आप लोग जब आप अप्पा में एंटर होते हो तो होता क्या है जैसे ही आप अप्पा में एंटर हो गए करके ठीक है तो एंटर होने के बाद क्या होता है एंटर होने के बाद आप अप्पा में एंटर होते हो तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अप्पा में एंटर हुए उस दिन से पहले ऑलरेडी बहुत सारे ईयर के रिटर्न फाइल कर चुके हो

तो अब आप अपा में एंटर हो गए एंड अपा इज एप्लीकेबल फॉर नाइनटीन ट्वेंटी 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 तो आपको क्या करना पड़ेगा उन ईयर के लिए आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे मैं आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो और उन के लिए अगर अपा एप्लीकेबल है तो अब आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अपाज एंटर्ड मतलब जिस महीने में आप अप्पा में एंटर हुए उस महीने के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर आपको उन के लिए मॉडिफाइड रिटर्न है वो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे और वो मॉडिफाइड रिटर्न आप अपा के हिसाब से फाइल करोगे अब एक और चीज समझता अगर आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किए लेकिन मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले पहले मान लो उन ईयर्स के असेसमेंट भी हो चुके हैं

इनकम को और वो मॉडिफाई कैसे करेंगे ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फाइल्ड अब एक चीज समझना जो भी पेंडिंग असेसमेंट ईयर है तो जो भी पेंडिंग असेसमेंट ईयर में मैं बताऊं यहां पे 2021 से लेके और 22, 23, 23, 24 ये तो सब पेंडिंग असेसमेंट ई तो इनके लिए असेसमेंट करने के लिए एओ को वन ईयर का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो भी असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट होता है उसमें एओ को वन ईयर का एक्सेस टाइम लिमिट है वो एक्सेस टाइम लिमिट मिल जाएगा अब एक और चीज समझना अब अपन जो आगे जो भी बात करेंगे वो सिर्फ अपन रोल बैक से रिलेटेड बात करेंगे मीनस वो लास्ट वाले फोर ईयर अब एक चीज समझना मैंने आपको बोला कि रोल बैक के लिए आप जा सकते हो लेकिन रोल बैक के लिए आप तभी जा सकते हो जब कुछ कंडीशन है पहली कंडीशन ये कि वाले ईयर में जो ट्रांजेक्शन है जैसे आज आज हो। जिसके वाले में थे, तभी आप रोल बैक वाले ईयर के लिए जा सकते हो अब एक और चीज से रोल बैक वाले ईयर का रिटर्न जो है साल ले रहे हो उसमें भैया का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया हो वन में अगर आपने वन थर्टी नाइन फोर में लेटेड रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में उस ईयर के लिए आपको रोलबैक नहीं मिलेगा मींस जिस ईयर के लिए आपने रिलेटेड रिटर्न फाइल किया हुआ रहेगा उस ईयर के लिए आपको रोलबैक है वो रोलबैक नहीं मिलेगा एक और चीज भैया रोलबैक आप उसी ईयर का ले सकते हो जिस ईयर में आपने सीए का रिपोर्ट टाइम पे फाइल किया था जो सीए का रिपोर्ट होता है 92ई में दैट इज 3सीबी फॉर्म फाइल किया था तो ही आप रोलबैक ले सकते हो अब एक और चीज समझना आप लोग रोल बैक में आप लोग जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है मीन रोल बैक इज अ ऑप्शन रोल बैक में जाना है तो जाओ नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन यहां पे दो कंडीशन यह है कि रोल बैक में आप नहीं जा सकते किसी ईयर के लिए अगर उस ईयर में रोल बैक की वजह से आपकी इनकम रिटर्न इनकम से कम हो रही है रोल बैक में गए रोल बैक की वजह से अगर मान लो आपकी इनकम जो रिटर्न इनकम से कम हो रही है तो उस ईयर के लिए रोल बैक नहीं लगेगा ऐसा क्यों क्योंकि इन्होंने बोला रिटर्न इनकम से कम हो रही है तो अगर असेस्ड इनकम से कम हो रही है तो चलेगा अगर आप असेस्ड इनकम से कम हो रही है तो चलेगा लेकिन रिटर्न इनकम से कम नहीं होनी चाहिए रोल बैक की वजह से जैसे मान लो आई कैन टेक वन एग्जाम्पल आपने रिटर्न फाइल किया था रिटर्न की इनकम थी दस लाख अब आप रोल बैक में गए रोल बैक की वजह से उस साल का इनकम आठ लाख हो गया तो नहीं चलेगा लेकिन अगर मान लो यहां पर क्या हुआ आपका असेसमेंट हुआ था और असेस्ड इनकम थी वो पंद्रह लाख थी और अब आपका रोल बैक की वजह से क्या हुआ आपका इनकम ट्वेल्व लाख हुआ तो चलेगा कोई बात नहीं उस ईयर के लिए आप रोल बैक ले सकते हो अब एक और चीज समझना आप लोग भैया अगर मान लो किसी रोल बैक वाले ईयर में से किसी ईयर का केस है वो आईटेट के पास पेंडिंग था और आईटेट का जजमेंट आ चुका है आईटेट का जजमेंट आ चुका है तो फिर उस ईयर के लिए आपको रोल बैक में जाने को नहीं मिलेगा मीन आईटेट का जजमेंट आ चुका है तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक में जाने को नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर जो आप बोल रहे हो न फोर ईयर रोल बैक में जा सकते हो तो ये फोर ईयर का अपने पास ऑप्शन होता है क्या फोर इयर्स में से कोई भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं आपने को ऑल फोर ईयर के लिए जाना पड़ेगा राइट आंसर इज यू कैन नॉट सेलेक्ट यू हैव टू फॉर ऑल फोर ईयर आपको ऑल फोर इयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन जिस ईयर का रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ था या जिस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं था तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं जाना है जिस जिस ईयर ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया था या के लिए आपने जो सीए का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था या जिस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं था उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं जाना है बट बाकी भैया आपको जो भी ईयर से उसके लिए आपको रोल बैक में जाना पड़ेगा बट यहां पर ऑप्शनल नहीं आपको मैंडेटरी चार साल लेने हैं लेकिन जिस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं था जिस ईयर में मान लो रिटर्न लेट फाइल किया था या जो का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक है वो रोल बैक नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं क्या कि लाइक हम अपा तो ना ले और सिर्फ रोल बैक ले 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 अपा ना ले और सिर्फ रोल बैक ले ले ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है नहीं है ठीक आप अपा लो रोल बैक आपके पास चॉइस है रोल बैक आपके पास चॉइस है आपको चाहिए तो लो नहीं तो कोई बात नहीं बट अपा लेना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि विदाउट अपा सिर्फ हम रोल बैक ले ले भैया ऐसा नहीं देखो एक बात बताओ शादी करोगे तो पहले बीवी या हस्बैंड चाहिए बीवी हस्बैंड है तो बच्चा ऑप्शनल है आपके पास ठीक है आप बोलोगे नहीं नहीं हमको शादी नहीं करनी हमको सिर्फ बच्चा चाहिए तो ऐसा नहीं मिलेगा सिर्फ रोल बैक नहीं मिलेगा अप्पा लेना पड़ेगा तब आपके पास रोल बैक का ऑप्शन है ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ रोलबैक दे दो अपा नहीं अप्पा लेना पड़ेगा फिर रोल बैक आपको लेना है तो लो नहीं तो कोई बात नहीं है अब एक और चीज समझना आप लोग करके ठीक है यहां पर क्वेश्चन आता है रोल बैक के लिए आप जो भी एप्लीकेशन करते हो तो वो एप्लीकेशन है वो आप क्या बोलते हैं एप्लीकेशन रोल बैक के लिए आपको लेना है तो कोई बात नहीं बट अपा आपको है वो लेना पड़ेगा अब एक और चीज समझता अमल गमेशन डी मर्जर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए एक कंपनी है बी ये दोनों अमल गमेटेड होकर ए बी बन गई अब एक चीज समझना ए बी जो है वो क्या करते हैं ए बी बन गई अब ए बी है वो अपा में जा रही है और इसी साल ए बी बनी वो अपा में जा रही है तो क्या ए बी रोल बैक में जा सकती है आंसर इज नो क्योंकि पहले ए बी था ही नहीं ना भाई ए ए लिमिटेड तो तो अब बना पहले तो कोई A था कोई बी था दो अलग अलग लोग थे जैसे एक कंपनी था जिसका नाम था साई si लिमिटेड था जिसका नाम था साई लिमिटेड साई लिमिटेड मर्ज हो गई शिरडी के साथ मतलब शिरडी पहले से थी और अभी भी है शिरडी के साथ वो मर्ज हो गई तो एक बात बताओ अब शिरडी जो है वो अपा में जा रही है अप्पा में जा जा रही है जा सकती, yes। सकती, yes। तो सकती एग्जाम्पल लेते हैं डी मर्जर का मर्जर में क्या होता है जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड टाइटन लिमिटेड के दो सेगमेंट हो गए एक तो टाइटन लिमिटेड है ही है और उन्होंने क्या किया ज्वेलरी डिविजन को एक डीमर्ज करके और उन्होंने बना दिया तनिष्क लिमिटेड अब एक बात बताओ टाइटन लिमिटेड अगर अप्पा में जाती है तो टाइटन लिमिटेड क्या बैक में भी, जा सकती है? है क्योंकि अभी भी है, थी मतलब एक बात बताओ आप रोल बैक में तभी जा सकते हो जब रोल बैक ईयर में आप वहां उपस्थित रहो मतलब अभी आप हो बट रोल बैक में अगर आप नहीं थे तो उसके रोल बैक में नहीं जा सकते बट रोल बैक ईयर में भी अगर आपका अस्तित्व था तो उस केस में आप रोल बैक ईयर में जा सकते हो यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस समझा के नहीं समझा समझा डन नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज दाइनटी टू सी दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये सेक्शन से रिलेटेड अपा से रिलेटेड आपको हर बार क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में और आजकल ये न्यू कंसेप्ट है तो आना ही आना है करके ठीक है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाली जो सेक्शन है वो क्या बोलती है पहली चीज तो प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है प्राइमरी एडजस्टमेंट ये बोलते हैं कि भैया जब भी आपकी लेंथ प्राइस एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस से ज्यादा है तो जितना डिफरेंस होता है ना वो डिफरेंस आपके प्रॉफिट में जुड़ जाता है दैट इज कॉल योर दैट इज कॉल योर प्राइमरी एडजस्टमेंट आई कैन टेक वन एग्जाम्पल जैसे मान लो इंडिया में मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड और इसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है जिसका नाम है सनी लिमिटेड जो कि यूएसए में है अब एक बात समझना हमने कोई सेल किया और हमने जो सेल किया वो कितने पे किया फोर करोड़ पे बट उसकी जो आमलैंग प्राइस आई ट्रांजेक्शन की वो सिक्स करोड़ आई तो एक बात बताओ यहां टू करोड़ हमारी इनकम में एड हो जाएगा जो बीबी लिमिटेड है वो बीबी लिमिटेड की इनकम में टू करोड़ एड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट अब यहां पर लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो ये प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है ये टू करोड़ रुपीज है ये टू करोड़ रुपीज हमको इंडिया के बाहर से इंडिया में रिपेट्रिएट भी करना पड़ेगा

तो उस केस में यह माना जाएगा कि हमने हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और अब हर साल इंटरेस्ट इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम हमारी इनकम में जुड़ती जाएगी तो मैंने क्या बोला आपके एक्चुअल से ऑनलाइन प्राइस ज्यादा और वो उसके बीच का जो डिफरेंस है एक्सेस मनी बोला जाएगा वो मनी पहली चीज तो आपकी प्रॉफिट में जुड़ जाएगा वो पैसा आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन नाइन डेज अगर आपने रिपेट्रिएट नहीं किया तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी

वो प्राइमरी एडजस्टमेंट पांच रीजन की वजह से है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है पहला रीजन एस ने ओन मोशन किया दूसरा एओ के ऑर्डर की वजह से हुआ अपेलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर की, की वजह से हुआ तीसरा जो है अपा की वजह से हुआ चौथा जो है वो तुम्हारे सेफ हार्बर रूल्स की वजह से हुआ और पांचवा जो है दैट इज का मैप की वजह से हुआ ये अगर पांच रीजन से प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अब एक चीज समझना सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे होगा तो मैंने बोला कि वो पैसा आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना एक्सेस मनी आपने अगर रिपेट्रिएट नहीं किया तो उस केस में वो आपको लोन मान लिया जाएगा यह माना जाएगा कि आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और हर साल अब आपकी इंटरेस्ट इनकम में हम उसको जोड़ते जाएंगे अब एक और चीज समझना है यहाँ पे लास्ट ईयर तक ऐसा था कि वो पैसा आप उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से लाना पड़ेगा मीन उसी एसोसिएट एंटरप्राइज जैसे सनी लिमिटेड के साथ हमने ट्रांजेक्शन किया तो आपको सनी लिमिटेड से रिपेट्रेट करना पड़ेगा बट इस बार अमेंडमेंट किया उन्होंने बोला किसी भी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से पैसा ला लो किसी भी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से पैसा रिपेट्रिएट कर सकते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसी एंटरप्राइज से आपको करना है जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है किसी भी नॉन रेजिडेंट मीन एनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से यू कैन री एम्बर्स दैट मनी यू कैन रिपेट्रिएट दैट मनी आप किसी से भी ला सकते हो अब एक चीज समझना अब मैंने आपको बोला कि वो पैसा 90 डेज में लाना है बट 90 डेज कहां से लिया जाएगा ये जो 90 डेज का टाइम लिमिट है अगर आपके पास कॉम्पैक्ट तो में लिखना यहां 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट लिखा है जगह आपको लिखना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जो ड्यू डेट है ना उसकी जगह लिखना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरो अंडर सेक्शन वन वन अब एक चीज समझना मैं आपको बता दूं ये 90 डेज आपका कहां से काउंट होगा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना तो 90 डेज कहां से काउंट होगा ये भी अमेंडमेंट है इस बार ठीक है देखो अगर एओ के ऑर्डर की वजह से या अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है एओ के ऑर्डर की वजह से या अपीलेट ऑथोरिटी की ऑर्डर की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है तो जिस दिन एओ या अपीलेट ऑथोरिटी ने ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर पास की डेट से आपको 90 डेज के अंदर अंदर पैसा लाना है

उस ईयर के लिए जिस ईयर के लिए वो अपा लग रहा है और जिस ईयर में प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है उस ईयर का अगर रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट जा चुका है रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट है वो जा चुका है या रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट नहीं गया

22 23 और 23 24 के लिए मान लो अपा में एंटर के लिए आपने एप्लीकेशन डाला था अपा एंटर हुआ वो मान लो यहां पे हुआ यहां पे हुआ और यहां पे मान लो 12 दिसंबर 2021 को हुआ तो मैं बोल तो 12 दिसंबर 2021 को आप इन दो इयर्स के लिए ऑलरेडी ड्यू डेट जा चुकी है ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है ये जो दो साल ऊपर वाले उसके लिए ड्यू डेट जा चुकी है रिटर्न फाइलिंग की बट इनके लिए ड्यू डेट अभी तक नहीं गई है अब एक चीज समझना सबसे पहले बात करते हैं अगर ड्यू डेट नहीं गई सो ड्यू डेट किस किस ईयर के लिए नहीं गई है अभी तक ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये थ्री ईयर्स के लिए अभी तक आपका ड्यू डेट नहीं गया है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा वो पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा और अगर इन इयर्स के लिए प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो यू हैव टू तो रिपेट्रिएट दैट मनी विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द दे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ उफ रिटर्न अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन मतलब जिस डेट को आप वन थर्टी नाइन वन में रिटर्न फाइल करोगे उस डेट से आपको नाइनटी डेज के अंदर अंदर लाना चाहिए करके ठीक है लेकिन जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तुम्हारा है वो तुम्हारा जा चुका है करके ठीक है ड्यू डेट जा चुका है तो कौन से ईयर के लिए 1920 और 2021 के लिए ड्यू डेट जा चुका है अप्पा में एंटर हुए तब तक तो उन ईयर का अगर कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो उस ईयर के लिए आपको वो पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन नाइन डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अपा वॉज एंटर्ड

उस केस में जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन रहेगा उससे 90 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा है वो रिपेट्रिएट करना पड़ेगा अगर आपने पैसा रिपेट्रिएट नहीं किया तो आपकी इनकम में उसको जोड़ देंगे अब क्वेश्चन इंटरेस्ट कहां से चालू होगा 90 डेज के बाद से होगा या स्टार्टिंग से होगा एक बात बताऊं यहां लास्ट ईयर तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी इस साल उन्होंने क्लैरिटी दे दी और उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर सपोज आपने 100 डेज में पैसा रिपेट्रिएट कर दिया तो इंटरेस्ट 10 डेज का लगेगा पूरा 100 डेज का लगेगा राइट right आंसर पूरा हंड्रेड डेज का लगेगा पूरा हंड्रेड डेज का यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा तो देखो बेटा सबसे पहले अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ एपिलेटोरिटी के ऑर्डर से हुआ था और आपने डेज में पैसा नहीं लाया तो ऑर्डर की डेट से आपको इंटरेस्ट है वो लगना चालू हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपके ऑर्डर की डेट से ले लेंगे अगर अपा की वजह से है, अब मान लो अपा में जो एंटर हुए उसके पहले पहले ड्यूडेट जा चुकी है ड्यूडेट जा चुकी है में तो जिस मंथ में अप्पा में एंटर हुआ उस मंथ के एंड से फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा अगर ड्यूडेट नहीं आई है तो जो ड्यूडेट से जो उससे उससे वन थर्टी है, है तो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर का जिस दिन उसने इफेक्ट दिया वो इफेक्ट की डेट से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करना पड़ेगा डेट तो रहेगा वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू

अगर वो ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो उस केस में आपको क्या करना है पता है वन ईयर का एसबीआई का लैंडिंग रेट वन ईयर का एसबीआई का लैंडिंग रेट एज ऑन द फर्स्ट अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर में वो इंटरेस्ट इनकम आ रही है हर प्रीवियस ईयर में आती जाएगी जब तक वो पैसा नहीं रिपेड करोगे तो जिस प्रीवियस ईयर में वो इनकम आ रही है उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट अप्रैल को जो भी एसबीआई का वन ईयर का लैंडिंग रेट रहेगा वो रेट लेना है और उसमें आपको थ्री पॉइंट करना है बट अगर वो ट्रांजेक्शन आपका फॉरेन करेंसी में था तो आपको क्या करना है उस प्रीवियस ईयर की थर्टियथ सेप्टेंबर को प्रीवियस ईयर का थर्टीएथ सेप्टेंबर को जो भी लिबोर का रेट रहेगा लाइबोर का रेट रहेगा थर्टीएथ सेप्टेंबर की लाइबोर का रेट सिक्स मंथ लाइबोर का रेट प्लस थ्री परसेंट है उसमें आपको एड करना है अब एक और चीज समझना यह प्राइमरी एडजस्टमेंट है सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होगा जब प्राइमरी एडजस्टमेंट एक करोड़ से ज्यादा का है प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मोर देन वन करोड़ तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट एक करोड़ से कम है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा और दूसरी चीज अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर 1718 या उसके बाद का है प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर सेवनटीन एटीन या उसके बाद का है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर सेवन उसका पहले का है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है तो मैं बता दूं सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपको दो केस में करना पड़ेगा पहली चीज तो प्राइमरी एडजस्टमेंट एक करोड़ से ज्यादा है और दूसरा प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर सेवेंटी एटीन ऑनवर्स है तो ही आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है अब एक चीज समझना इस बार इन्होंने एक और मस्त वाला पॉइंट निकाल दिया और वो मस्त वाला पॉइंट क्या बोलता है कि भैया जब तक ये पैसा रिपेट्रिएट नहीं करोगे तब तक वो आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी हर साल इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे इंटरेस्ट इनकम जोड़ते जाएंगे अगर मान लो आप उसको रिपेट्रिएट करने में सक्षम नहीं हो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिपेट्रिएट दैट मनी फ्रॉम योर एसोसिएट एंटरप्राइज तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि काम करो ना जो तुम्हारा एक्सेस मनी है ना जितना आप रिपेट्रिएट नहीं कर पाए हो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी पे आप एक काम करो इंडिया में टैक्स भर दो आप एक काम करो 18 परसेंट की रेट से आप टैक्स भर दो 18 परसेंट की रेट से आप टैक्स भर दो आपका इंटरेस्ट इनकम हम अब नहीं जोड़ेंगे इंटरेस्ट इनकम नहीं बनाएंगे अगर आप 18 टैक्स भरने का ऑप्शन ले ले तो दिस इज ऑप्शन या तो आप एवरी ईयर क्या करो इंटरेस्ट इनकम को जोड़ते जाओ जब तक वो पैसा नहीं ला पाते अगर मान लो आपने मान लिया ठान लिया कि हमसे वो पैसा नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं ना आप एक काम करो एटीन की रेट से टैक्स भर दो और ये 18% प्लस 12% सरचार्ज ऑलवेज होगा और प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज रहेगा मिस यहां पे आपको 20.9664% 20.9664% की रेट से आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा और जो भी तुम्हारा ये टैक्स भर दिया उसके दूसरे दिन से मतलब टैक्स भर दिया फिर इंटरेस्ट इनकम हम नहीं जोड़ेंगे उसके पिछले दिन तक तो आपको इंटरेस्ट ऑप्शन आप तो कर सकते हो और फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स है इसका कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता जैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहता है वैसा ही टैक्स रहेगा मैंने एक एक्साम्पल दे रखा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन नाइन फोर टू द फोर दैट इज नोटिफाइड टू एरिया अब एक बात समझना बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो अपने साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है जैसे साइप्रस स्विट्जरलैंड एंड ऑल दैट थिंग तो हम उनका कुछ उखाड़ तो सकते नहीं तो हम क्या करते हैं इंडिया में बैठे बैठे इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है उन कंट्रीज को मान लो एनजे डिक्लेयर कर सकती है नोटिफाइड ज्यूरिजनल एरियाज अब अगर मान लो इन्होंने एक ही कंट्री को अब तक एनजे डिक्लेयर किया था दैट इज द साइप्रस और सिप्रस लेकिन अभी उसको हटा दिया दो साल पहले उसको हटाया और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली हटा दिया क्योंकि उनके साथ अब अपना अग्रीमेंट हो गया है तो उसको हटा दिया अब एक चीज समझना किसी कंट्री को अगर मान लो एनजे कर देते तो होता क्या है देखो एनजे एनजेर कर दिया तो एनजे में लोकेटेड पर्सन के साथ अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां वो डीम टू भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा और आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा एक बात बताओ एक लोबो है जो साइप्रस में रहता है और सपोज साइप्रस इज एनजे तो लोबो के साथ मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो

आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और मिनिमम टीडीएस है वो आपको थर्टी परसेंट काटना पड़ेगा मीन्स मिनिमम टीडीएस का रेट है वो थर्टी परसेंट रहेगा अब एक और चीज समझना साइप्रस में लोकेटेड पर्सन से अगर आपको कुछ पेमेंट मिलता है तो आपको यह बताना पड़ेगा उसका सोर्स क्या था

ले जाके देने पड़ेंगे एक सेक्शन होती है नाइनटी टू डी दैट इज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग है वो ट्रांसफर प्राइसिंग सिर्फ कहां पे लगता है ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में लगता है लेकिन कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है कौन कौन से डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पहली चीज तो अगर वो ट्रांजेक्शन एटीआई सबसेक्शन एट या एटीआई सबसेक्शन टेन में दे रखे या एटी ए में दे रखे या फिर जिसपे एटीआई टेन या एट वाला जो चैप्टर सिक्स ए में दे रखे वैसे सिमिलर ट्रांजेक्शन या फिर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 115 BAB. 115 सेक्शन वो पता वन वन वाला टैक्स रेट वाला सेक्शन मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करवाया था और एनी अदर ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब ये कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है लेकिन इसके केस में तभी लगेगा जब आपका जब आपका ट्रांजेक्शन का वैल्यू है वो मोर देन ट्वेंटी करोड़ है अगर वो बीस करोड़ से ज्यादा है तो ही बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा अदरवाइज ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पे नहीं लगेगा नेक्स्ट अ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है बताया कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के भैया एक पेरेंट एंटिटी होती है और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है पेरेंट एंटिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ये पेरेंट एंटिटी क्या होती है

अब एक बात समझना इनकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी है जैसे ये लोग इंडिया में ऑपरेट करते हैं इन द नेम ऑफ द एच यूल दैट इज हिंदुस्तान यूनिलिवल लिमिटेड ये लोग पाकिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं इन द नेम ऑफ द पी यूल पाकिस्तान यूनिलिवल लिमिटेड ये लोग थाईलैंड में भी ऑपरेट करते हैं इन द नेम ऑफ द थाईलैंड यूनिलिवल लिमिटेड दैट इज कॉल्ड योर यूनिवल ग्रुप इसका जो पेरेंट एंटिटी है वो कहां यूके में है और बाकी जितनी भी एंटिटी है दैट इज कॉल कॉन्टिट्यूंट एंटिटी दैट इज कॉल कॉन्स्टिटुएंट एंटिटी अब एक चीज समझना दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं अदानी का इंडिया में एक ग्रुप है जिसका नाम है अदानी इंडिया अदानी इंडिया का पेरेंट एंटिटी कहां पे है इंडिया में है अब अदानी हर कंट्री में काम कर रहा है जैसे श्रीलंका में भी काम करता है इन द नेम ऑफ द अदानी श्रीलंका करके ठीक है ऐसे ही वो पाकिस्तान में भी काम करता है अदानी पाकिस्तान करके यूएसए में भी काम करता है अदानी यूएसए करके ठीक है अब एक चीज समझना लॉमेकर्स यहां पर ये बोलता है कि पेरेंट एंटिटी जिस कंट्री में होती है वो कंट्री में उस पेरेंट एंटिटी को कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करनी पड़ती है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है कि उस ग्रुप का हर कंट्री में जितना वो रेवेन्यू कमा रहे हैं सबका डिटेल दो कितना उसका एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है सबका डिटेल दो कितनी असेट एम्प्लॉयड है सबका डिटेल दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है वो सब डिटेल आपको उस कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में देनी पड़ती है और ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है वो उस कंट्री में फाइल होती है जहां पर पेरेंट एंटिटी लोकेटेड है तो जैसे मैं यून ग्रुप की बात करूं तो यूनि अपनी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कहां पर फाइल करेगा यूके में फाइल करेगा यूनेलेबर है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है वो यूके में फाइल करेगा ठीक है जो पेरेंट एंटिटी है वो फाइल करेगा कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी फाइल नहीं करेगा लेकिन यूके वो कंट्री बाय कंट्री

मिस ग्रुप का रेवेन्यू पांच हजार पांच सौ करोड़ या उससे ज्यादा है तो जो पेरेंट एंटिटी इंडिया में है उसको इनकम टैक्स को क्या करना पड़ेगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा ये किसको फाइल करते डीजीआईटी रिस्क असेसमेंट को डायरेक्टर जनरल ऑफ द इनकम टैक्स रिस्क असेसमेंट को फाइल फाइल करना करना पड़ता है कब तक करना पड़ेगा मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ उसके ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर आपको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा डीजीआईटी रिस्क असेसमेंट असमेंट मैंने क्या बोला देखो अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया में लोकेटेड है या एक ऑल्टर

रिपोर्टिंग रेजिडेंट है और अगर मान लो उनका ग्रुप रेवेन्यू पांच पांच सौ करोड़ रुपया या उससे है लास्ट अकाउंटिंग तो इंडिया में फाइल करना पड़ेगा अब एक चीज समझना अगर इंडिया में पेरेंट एंटिटी है but इंडिया में constituent entity है Example is limited. जो actual है जो को क्या करना पड़ेगा पता है अपनी इनकम अथॉरिटी को यह बताना पड़ेगा कि कहीं वो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो नहीं है या उनकी पेरेंट एंटिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में है मतलब कहां पे है उनकी पेरेंट एंटिटी कौन सी कंट्री में है वो डिटेल अपनी इनकम टैक्स ऑथोरिटी को देनी पड़ेगी कब तक पता है बिफोर द टू मंथ ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंट्री कंट्री रिपोर्टिंग जैसे सीबीसी फाइलिंग का ट्वेल्व मंथ का टाइम टेन मंथ पहले जैसे मंथ अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ टिंगली मंथ में फाइल कर सकते हैं तो ट्वेल्व मंथ से एटलीस्ट मंथ पहले जो है एटलीस्ट टू मंथ पहले है वो अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि कहीं है वो कहीं ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो नहीं है एंड उसको ये भी बताना पड़ेगा कि उनकी पेरेंट अब एक चीज समझना कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हमेशा पेरेंट एंटिटी फाइल करती है लेकिन अगर इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूंट एग्जांपल इज एचल जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उनको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा कब पता है पहला पेरेंट एंटिटी कुछ सी ऐसी कंट्री में रेजिडेंट है जहां कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है जैसे यूनिलेवर यूके में है और यूके में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग से रिलेटेड लॉ में अभी तो कुछ प्रोविजन ही नहीं है तो उस केस में जो एचयूएल है उसको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा या फिर उस कंट्री में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के प्रोविजन है यूके में लेकिन हमारे इंडिया और यूके के बीच में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे हम कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग गैदर कर सके ऐसा अरेंजमेंट नहीं है या फिर अरेंजमेंट है बट यहां पर कुछ सिस्टम फेलियर हो गया सिस्टमिक फेलियर हो गया अरेंजमेंट होने के बाद भी अगर यूके है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अपने को शेयर नहीं कर रहा है जैसे विजय माल्या को अपने को शेयर नहीं कर रहे वैसे वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग शेयर नहीं कर रहा है तो केस में जो एक्चुअल रहेगी ना इंडिया में जो रेजिडेंट है ना एंटिटी उसको बोला जाएगा कि तुम भैया कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है वो फाइल कर दो अगर इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्टिट्यूंट एंटिटी है तो उस केस में क्या होगा कि वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करेगी अब एक और चीज समझना अगर मान लो कोई कोल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया के बाहर है जैसे यूनिवर ग्रुप का पाकिस्तान में है पाकिस्तान अगर इंडिया वाले पाकिस्तान है, वो कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर एचल में सीबीसी फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर कंट्री कंट्री रिपोर्टिंग आपने फाइल कर दिया, कंट्री बायपोर्टिंग आपने फाइल कर दिया तो उसके अगर अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपसे और भी कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो आपको उनको ले जाकर देना पड़ेगा आपको उनको ले जाके देना पड़ेगा वो आपको नॉर्मली टाइम देंगे करके ठीक है और उतने टाइम में आपको वो है, वो इंफॉर्मेशन है है आपको आपको सबमिट करनी पड़ेगी करके ठीक थर्टी डेज जिस दिन आपको नोटिस मिला उससे थर्टी डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्यूरेसी को चेक करना चाहेंगे अगर सीबीसी फाइल हुआ इंडिया में तो वो चाहेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा आपको इंफॉर्मेशन मंगवाई जाएगी कुछ कंफर्मेशन मंगवाई जाएगी आपको देना पड़ेगा विद इन थ्री फ्रॉम चाहिए आप 30 days का extension इसमें ले सकते हो अब एक चीज समझना पेनल्टी लगती है अगर आपने कंट्री बायट्री रिपोर्टिंग फाइल नहीं किया तो कितना पेनल्टी लगेगा भैया जितना डीले होता है अगर डिले वन मंथ का है तो उसमें फाइव थाउजेंड पर डे का पेनल्टी डिले वन मंथ तक है तो फाइव थाउजेंड पर डे का पेनल्टी अगर वन मंथ के बियॉन्ड डिले है तो वन मंथ तक तो फाइव थाउजेंड पर डे उसके बाद फिफ्टीन थाउजेंड पर डे का पेनल्टी अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको पेनल्टी का ऑर्डर भेज दिया और आपको पेनल्टी का ऑर्डर रिसीव हो गया तो जिस दिन आपको पेनल्टी का ऑर्डर रिसीव हुआ उस दिन से आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा कितना फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा अब एक चीज समझना सीबीसी रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी देखने के लिए उन्होंने आपको नोटिस भेजा था कि इंफॉर्मेशन लाओ आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम दिया है उतने में थर्टी डेज में देनी पड़ेगी अगर मान लो आपने नहीं दी तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाता है और आपने नहीं दी तो जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता है फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे का, का पेनल्टी लगेगा और अगर आपको पेनल्टी ऑर्डर सर्व हो गया तो पेनल्टी ऑर्डर जिस दिन सर्व हुआ उस दिन से आपको है वो फिफ्टी पर डे का पेनल्टी लग जाएगा अब एक चीज समझना आपने अगर मान लो आपने जो सीबीसी है वो सीबीसी में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे देगी जान के ठीक है अगर आपने इनएक्यूरेट सबमिट कर दी इंफॉर्मेशन आपने इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन दी जान के करके ठीक है इंटेंशनली आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है तो आपको पांच लाख का पेनल्टी लगा सकते हैं लेकिन ये जितनी भी पेनल्टी मैंने आपको पढ़ाई ये वेव हो सकती है अगर मान लो अगर मान लो यहां पर आपका सफिशियंट कॉज है तो उस केस में वेव हो सकती है मास्टर फाइल वाला पार्ट है वो आईसीए ने अपने मटेरियल से हटा दिया है तो आप मास्टर फाइल वाले पार्ट को छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन इज नाइंटी थ्री थ्री इज वेरी इजी सेक्शन ये सेक्शन ये बोलती है बेसिकली आपको इतना याद रखो इसमें कि बहुत बार क्या होता है जैसे मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम आ रही है दुबई में मेरा घर है उससे इनकम आ रही है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है मैं क्या करता हूँ वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता हूँ दुबई में एक शेख बंदा है उसको ट्रांसफर कर दिया मैंने किसी शेख को ट्रांसफर कर दिया दुबई में अब होता क्या है कि भैया अब वो इनकम वो शेख के हाथ में जा रही है और उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही है और शेख मुझे कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंसिडरेशन डायरेक्ट मेरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है इन फ्यूचर या आज कभी तो उस केस में एओ के पास पावर है वो इनकम है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल कर सकता है मतलब अगर मान लो कोई पर्सन है वो रेजिडेंट है उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो रही है वो प्रॉपर्टी को नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर देता है और ड्यू टू दैट उससे जो इनकम हो रही है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती और आपको कुछ ना कुछ उससे डेफर बेनिफिट मिलता है या करंट बेनिफिट मिलता है तो उस केस में हो सकता है कि वो जो रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से वो शेख को मिल रहा है बट

अगर कोई भी इंडियन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट का कोई पीई इंडिया में है क्या बोला मैंने कोई भी इंडियन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट का पीई है वो इंडिया में है और वो क्या करते हैं अपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ डेट लेते हैं मिस लोन लेते हैं या फिर मान लो कोई बोरोइंग करते हैं समथिंग लाइक दैट करके ठीक है अब एक चीज समझना अगर वो इंटरेस्ट देते हैं उनको या डेट चार्जेस देते हैं मिस कमीशन वगैरह सब आ जाएगा गारंटी कमीशन एंड ऑल अगर कोई भी इंडियन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी -E है वो क्या कर रहा है अपनी नॉन रेजिडेंट असोसिएट एंटरप्राइज को क्या दे रहा है कोई भी डेट चार्जेस दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है तो उस पर लिमिट लगेगी

टोटल इंटरेस्ट माइनस थर्टी परसेंट ऑफ ईबीआईट इज लोअर है ये 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 एक्सेस इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा तुम्हारा हो 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 जाएगा ये क्या हो जाएगा हो जाएगा क्या और भैया बाकी वाला इंटरेस्ट है वो तुम्हारा अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना आप लोग ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन मेनी टाइम क्या होता है ये सेक्शन तभी लगेगी जब आपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या लिया है डेट लिया है अब एक चीज समझना एक और चीज समझना यहां पे जो डेट है ना वो वन करोड़ से ज्यादा का है सॉरी आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो एसोसिएट एंटरप्राइज को वो वन करोड़ से ज्यादा का है तो ही आपके वे ये सेक्शन लगेगी अदरवाइज नहीं लगेगी मैं इस पूरे साल में मिला के जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो जो डेट चार्जेस दे रहे हो वो टोटल मिला के वन करोड़ से ज्यादा का है तो ही ये सेक्शन लगेगी अब एक चीज समझता अगर आपने डेट जो लिया वो किसी आउटसाइडर से लिया बैंक वगैरह से लिया और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है वो उधर गारंटी दे, दे देता है या फिर आपका एसोसिएट एंटरप्राइज वहां मैचिंग अमाउंट जमा करवाता है उस बैंक में तो यही माना जाएगा कि आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया है और यह सेक्शन लग जाएगी तो मैंने क्या बोला अगर आप लोन किसी आउटसाइडर या बैंक वगैरह से ले रहे हो लेकिन आपका एसोसिएट एंटरप्राइज क्या कर रहा है सिमिलर अमाउंट वहां अमाउंटिट करवाता है करके ठीक है या गारंटी देता है तो उसके माना जाएगा कि आपने लोन है वो एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है और यह सेक्शन है यह सेक्शन लग जाएगी अब एक और चीज समझना सेक्शन दो केस में नहीं लगेगी अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस है बैंकिंग इंश्योरेंस बिजनेस के केस में सेक्शन नहीं लगेगी और एक और चीज समझना जो भी इंटरेस्ट

बहुत कम टाइम बचा है मार्च मिड तक ऑलमोस्ट अपन पहुंच गए उसके बाद अप्रैल और बचा है बस डेढ़ महीने का टाइम लिमिट डेढ़ महीना में फोर्टी फाइव डेज एक एक दिन निकलता है कितना फास्ट निकलता है फोर्टी फाइव फिफ्टी डेज है वो आपके एग्जाम के लिए रहे हैं प्लीज फोकस टू योर स्टडी और सिर्फ स्टडी स्टडी एंड स्टडी आपकी लाइफ में अभी तीन ही काम है पढ़ना खाना और सोना करके ठीक है आप बाकी कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में कोई भी चीज नहीं है सिर्फ आपको खाना है और खाना भी थोड़ा लाइट खाना है ठीक है दवा के नहीं खाना और पढ़ना है और पढ़ने में ध्यान रखो पॉजिटिव रहा करो अच्छे से पढ़ा करो और अच्छे लोगों के साथ में रहा करो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहा करो नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहा करो थैंक्स ऑलऑट पीपल आज के लिए इतना बहुत है नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में वापस मिलते